कभी चमाट खाया अब्बा से कभी? ओह यस। अरे सात फ्लोर में नीचे भाग गया, मुझे नीचे जाके होश आया कि मैं कि मैंने ऊपर सातवें फ्लोर पे थप्पड़ खाई थी। अच्छा, मेरे पास दोनों जो है वो हमेशा से यही था दिमाग में कि उसमें हुमायूं और आयजा और यही कास्ट होगी या कुछ हुआ। देखिए, दान सिद्दीकी और मेरा था। लड़की का बिल्कुल सच बात है, आयजा पहली चॉइस उस वक्त नहीं थी। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपकी तबीयत खराब है फिर भी आप अपने फैंस के लिए इधर आए। हाँ जी, आप लोगों का शुक्रिया बुलाने का। जो आपकी कामयाबी है, आपने सस्टेन की है इतने साल तक, मेंटेन रखना और फिर आगे से आगे जाना, कुछ टिप्स है लड़कों के लिए जो आना चाहते हैं इस फील्ड में? आई थिंक आपको देखें, मेहनत तो अपनी जगह, मेहनत से काम करना पड़ता है, लेकिन आपकी कुछ चॉइसेस होती हैं जो आप किन लोगों के साथ ज़्यादा काम करते हैं। आपकी टीम, मेरी माशाल्लाह टीम, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, साथ जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे हैं, वो अच्छा काम करना चाहते हैं। ये समझ भी तो आना चाहिए ना, आपको ये समझ आ गई? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यही चॉइस आपको, आई थिंक कुछ चॉइसेस मेरी बेहतर हो गई, कुछ माँ बाप की दुआएं हैं, घर वालों की, फैमिली की दुआएं हैं, तो आपको लगता है लक भी काउंट किया आपके करियर में? हाँ, दुआएं बहुत काउंट करती हैं, ये तो मुझे पता है, और वही आपके लक को भी आई थिंक बेहतर करती हैं। बाकी काम के लिए टीम है, लेकिन आई थिंक सारी चीज़ों से मिल मिला के ही आप अपने आप को, आपके अच्छे काम को या कामयाबी को सस्टेन कर सकते हैं, बाकी सब अल्लाह की तरफ से होता है। आपके अबू फेवर में नहीं थे पहले कि हुमायूं इस फील्ड में आए? सबसे पहले आप ही थे पूरे भाइयों में? हाँ, मैंने एक्चुअली छुप के काम शुरू किया था ये। उस वक्त एडिट की एक पोस्ट हाउस खुला था, तो पोस्ट प्रोडक्शन हाउस था, तो उसमें उन्होंने मेरा वो ड्रामा देखा, तो फिर उन्होंने मुझे ड्रामे में लिया। उन्होंने कहा ये ड्रामा तो बहुत बुरा है लेकिन तुम कुछ कर जाओगे। फिर उन्होंने मुझे एक ये जहां में लिया था, याद है। ये जहां में लिया था, उसमें गाने भी होते थे। तो आपके अंदर फिल्मी अंसर पहले से था। और मुझे मिल भी गई एक फिल्म 98-99 में, समीना पीरजादा की इंतहा, जो कि बहुत अच्छी गई, लेकिन उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री जरा डाउन ही जा रही थी। फिर सिनेमाज बंद हो रहे थे और मजे से जहानत से, जब आपको लगता था फिल्म का थोड़ा सा आ रहा है, कुछ इमेज बेहतर हो रहा है, आप फिल्म कर लेते थे। जब आपको लगता है ओह ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रही है, तो आप ड्रामों का रुख कर लेते थे? हाँ, नहीं, मैंने वो उसी वक्त ड्रामे का रुख कर लिया। हाँ, और फिर करता रहा ड्रामास। हाँ, तो मैंने कहा अभी काम जो है वो ज़्यादातर ड्रामों में ही है। हाँ, और कुछ बेहतर जो काम करने वाले लोग हैं, मुझे उस वक्त लगता था कि वो टीवी ड्रामास में ज़्यादा हैं, फिल्म की तरफ काफ़ी लोग अब रिटायर हो रहे थे और फिल्में कम बन रही थी, और अच्छी फिल्में कम बन रही थी। एक शेख साहब की एक फिल्म थी, सज्जाद साहब उस वक्त फिल्में बना रहे थे, लेकिन उन्होंने भी उसके बाद फिल्में बनाना खत्म कर दिया। फिर सज्जाद साहब भी, सज्जाद गुल साहब भी ड्रामों की तरफ आए और उन्होंने मेहंदी ड्रामा बनाया, और मैंने उनके साथ बड़ा फिल्मी सा ड्रामा था मेहंदी। हाँ, और वो उस वक्त का फिर वो बहुत कामयाब हुआ, तो फिर मेरी भी साथ साथ प्रोडक्शन चल रही थी, और फिर मैंने ड्रामों में भी साथ साथ काम किया। उसके बाद जब मेरे सर पे काम पड़ा तो फिर मैंने ट्यूशंस पढ़ाई और फिर मैं फैक्ट्री में, मैं रात को फैक्ट्री से आता ही नहीं था, पूरी पूरी रात शिपमेंट्स अपनी, और इस तरह मुझे उसमें भी कामयाबी मिली थी। तो बहुत यंग एज में मेरी काफ़ी अच्छी सैलरी और गाड़ियाँ थी। आप सबसे बड़े भाई हैं? मैं सबसे बड़ा भाई। आप सबसे बड़े भाई, तो आपके ऊपर सारा घर का बर्डन आ गया था, बर्डन आ गया था जब आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ। तो हाँ, उसके बाद तो इसलिए काम की मुझे आदत मेहनत से आदत पड़ गई, और मुझे इसलिए हर काम आसान लगता है अब, जो मैंने, मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत उस वक्त की हुई है मुझे आसान लगती है। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं होती जब भी आप आते हैं, कोई आपके अंदर स्टार्स वाली बात नहीं है या आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, सारे लोग आपके लिए बोलते हैं, बहुत सारे आपके कलीग्स भी बोलते हैं जो आपके साथ काम करते हैं। हाँ, मैं कुछ उसकी रीजन क्या है, कैसे? ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये तो बस यही है। हाँ, और आप अपने आप को जब बहुत समझने लग जाएं तो फिर आप में नखरा जो है किसी और किस्म का आ जाता है। हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये काम, बहुत मुश्किल काम है। इसमें एक दिन आप ये हैं और एक दिन आप ऐसा होगा आपको कि आप सोचेंगे कि मुझे ये एक्टिंग करनी क्यों नहीं आ रही। हाँ, और ये काम मैं भूल क्यों गया हूँ, मैं पीछे क्यों रह गया हूँ सबसे। हाँ, तो जब आपको पता है कि ऐसा होना ही है एक दिन, तो बेहतर है कि इंसान के बच्चे बन के काम करते रहो। ये तो है, मेरे पास दोनों जो है वो हमेशा से यही था दिमाग में कि उसमें हुमायूं और आयजा और यही कास्ट होगी या कुछ हुआ। देखिए, दान सिद्दीकी और मेरा था। लड़की का बिल्कुल सच बात है, आयजा पहली चॉइस उस वक्त नहीं थी। ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आयजा को लिया। हाँ, और आज मैं सोचता हूँ कि वो बेस्ट चॉइस साबित हुई,
और अदनान सिद्दीकी पहले से थे और मैं पहले से था। बट बीच में एक ऐसा वक्त आया था जब मैं फिल्मों में बहुत ज़्यादा लग गया, तो जब नदीम ने मुझे बोला यार कि ये स्क्रिप्ट हमें करना है, हमसे चैनल भी मांग रहा है कि कोई स्क्रिप्ट दो, और वो खलील साहब का स्क्रिप्ट भी था, तो इतना अरसा खलील साहब के स्क्रिप्ट को आप छुपा के रख दो तो ये वो एक गोल्ड की तरह होता है। तो उसको हमने बनाना ही था, तो फिर हमने सोचा कोई और डायरेक्ट कर ले और कोई और एक्टर इसके अंदर ले मेरे रोल में। बट somehow वो हमारी उससे बनी नहीं, घूम फिर के फिर आया ही वो आपके नसीब। बस अंदर से नियत यही थी, देते हुए भी दिल नहीं कर रहा था किसी और को। पहली तस्वीर है समीना भाभी के साथ, वही तो कह रही हूँ ना, आपने जगह चेंज कर ली। लिखा है अफजल आसिफ ऑफिशियल ने कि माशाल्लाह बड़ी प्यारी जोड़ी है, भाभी आपको किस एक बात पे ज्यादा डांटती हैं? हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, तो जाहिर है भाभी एक बात पे कहाँ डांटती है, कोई एक खास बात हो जिस पे ज्यादा डांटती है? एक जो बड़ी कॉमन बात है वो ये, मैं जिस कमरे में घुसता हूँ वहाँ लाइटें जला के आ जाता हूँ, या एसी चल रहा होता है दरवाजा खुला छोड़ देता हूँ, और अपने कपड़े फेंक देता हूँ इधर उधर। समीरा भाभी की कैसी नेचर है, खाना खा लो सोई नहीं हो, मतलब होता है ना अलग अलग किस्म की नेचर होती है लोगों की, आपकी चीज़ें तैयार हैं पूरी? खाना हाँ, वो अब हमने कहीं जाना है और वो बहुत ज़्यादा टाइम की पाबंद है। अच्छा, और वो जैसे नहीं घर वाले अब्बू ऐसे होते थे ना, वो शादी पे जाना है तो आधे घंटे पहले पहुँचो, समीना उस किस्म की है। अच्छा, उसके जिस और खाने के अंदर वो पूछती है रोज़ के तुमने क्या खाना रात को, दोपहर में उसका मुझे मैसेज आता है, फ़ोन आता है अगर मैं कहीं भी हूँ, और बाकी वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, वो मेरी तरह नहीं है। अच्छा भाई, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट पिक्चर पे क्या सवाल है? मुबश्शिर ऑफिशियल 9, वाह क्या सूट है, हमारे सब सूट हमारे भाई ले जाते हैं, कभी आपके कोई सूट, आपके भाई कोई सूट या कोई भी कपड़े आपके कोई भाई पूछे बगैर लेकर गए अलमारी से? सलमान करता है, छोटा वाला भाई, मतलब पूछे बगैर एक आध दफा लेके गया है, लेकिन वैसे वो पूछ लेता है। हाँ, तो कभी तो शेरवानी होती है कोई, सारे भाइयों का एक ही नाप है तो सबको आ जाते होंगे एक दूसरे। हाँ, आ जाते हैं। एक भाई जो है वो जो आमिर है वो अब हम सबसे लंबा है। हाँ, तो उसको शायद नहीं आते, उसने कभी लिया भी नहीं मुझसे। एक दफा मैंने उसको बोला था ले लो मुझसे, तो उसने पहना और उसको आया नहीं। अच्छा, जरा बिल्ड भी ज्यादा है तो, लेकिन सलमान को आ जाते हैं। ज़्यादा अटैचमेंट किससे थी, अम्मी से अब्बू से? अब्बू से, अटैचमेंट दोनों से थी, मगर क्योंकि अब्बू के सामने कोई बात हम कर नहीं सकते थे तो डरते इतना थे उनसे, तो हर बात अम्मी से करते थे। अगर किसी चीज़ की इजाज़त चाहिए, कहीं जाना है या कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो वो अम्मी से बोलते थे कि ये चाहिए, मैं यहाँ जाना है, तो यस फिर अम्मी अब्बू तक वो बात पहुँचाती थी और किसी तरह इजाज़त मिल जाती थी। तो सख्ती बहुत थी, सख्ती थी। तो बेटों के वालदैन बनना ना मुश्किल होता है, बेटों पे सख्ती ना करें तो फिर वो काबू में नहीं रहते, शायद हमारे यहाँ का ओल्ड स्कूल थॉट यही है वालदैन की। हाँ, पहले तो ऐसे ही होते थे, अब उलट हो गया, अब दोस्त बनना है, अब दोस्त बनना है, अब कुछ और है। तो हाँ, कभी चमाट खाया अब्बा से कभी? ओह यस, अरे कभी मैंने 3-4 दफा तो खाई है। अच्छा, काफी बड़े होके भी खाई है? बड़े होके मैं तकरीबन 16-17 साल का था तब तक खाई है मैंने। नहीं भाई, चपेट ऐसी 7 फ्लोर में नीचे भाग गया, मैं नीचे जाके होश आया कि मैं कि मैंने ऊपर 7वें फ्लोर पे थप्पड़ खाई थी। अच्छा, अरे वाह भाई, जबरदस्त। नेक्स्ट सवाल दिखाएं भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है, क्या पूछा है? क्या वलियर 3, हुमायूं भाई आपने अपनी पहली महंगी गाड़ी कब ली थी और आपकी फीलिंग क्या थी? पहली महंगी गाड़ी, मेरी पहली गाड़ी की स्टोरी जो है वो कमाल है। जैसे मेरे बॉस ने मुझे जब पहली बार गाड़ी के लिए बोला कि तुम जिस गाड़ी में आते हो, तो ड्राइवर आता था ना उस गाड़ी में, तो वो तुम ले लो। अच्छा, तो वो मेरे लिए, मैं आपको पागल जो पिक हो गया, करने गाड़ी आती जो पिक करने ड्राइवर के थी, साथ वो मेरे से खुश हुए, तो उन्होंने बोला ये गाड़ी तुम रख लो। और मुझसे पूछा कि गाड़ी ये चलानी आती है, और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, और मैंने फौरन बोला नहीं नहीं मुझे आती है। तो मैंने ये सोचा कि ये ना हो गया मुझे बोले फिर रहने दो, फिर ड्राइवर ही आके लेगा। तो उसका बहुत खुश था मैं, तब वो ऑल्टो गाड़ी थी जो,
अच्छा। जो मुझे मिली थी हाँ। तो बहुत पहले की बात है, मैं ये बात मैं बता रहा हूँ 92-93 की, तो मैं 21-22 साल का था, 20 साल का होऊंगा। अच्छा। तो उसके बाद मेरी पहली महंगी गाड़ी, मुझे गाड़ियों का इतना शौक नहीं है जी। नेक्स्ट क्या सवाल है? अच्छा भाई, मेरे पास तुम हो में इतना वेट गेन कर लिया था, लेकिन फिर आप यूं ठीक हो गए, ऐसा क्या करते हैं? हमसे तो नहीं होता भाई, ये सवाल भेजा है फैजान, पता नहीं क्या, एक तो नाम इतना फैजान अली फैजान ने। हाँ, मुझे जॉगिंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, फिर कैसे रिड्यूस करते हैं? डाइट पे जाना होता है। मैं रोटी चावल कम कर देता हूँ। हाँ। और शौकीन है खाने के आप? मैं बहुत हाँ? ज्यादा, आपको पता है। हाँ, ये तो मुझे पता है। हाँ, तो लेकिन... आपके घर भी आके बहुत खाता हूँ। ये मैं उस वक्त रोटियां नहीं गिनती। लेकिन कैसे कम कर लेते फिर, कि छोड़ते कैसे है ना, जिसको शौक हो खाने का? असल में हमारा काम ऐसा है, अब काम के लिए तो छोड़ना पड़ता है। हाँ, मजबूरी है। लेकिन मेरा यही होता है कि काम शुरू होने से 15-20 दिन पहले जो है मैं छोड़ता हूँ, ज्यादा नहीं कि मैं 3 महीने। लेकिन यस, मुझे अभी जैसे मेरी 2-3 महीने बाद शूट है फिल्म की, उसके लिए मुझे ज़रा लंबे अरसे डाइट भी करनी है और एक्सरसाइज भी बहुत करनी है। सबसे ज़्यादा कौन सा आसान है आपके लिए, किस जोन में जाना? मुझे लगता है रोमांटिक जोन में। मैंने मेरे पास तुम किया, वो इतना रोमांटिक नहीं था। हाँ। वो एक ट्रेजिक, बड़ा ही उसके साथ ट्रेजिडी होती है उस बंदे के साथ, तो लोग ये समझते हैं कि शायद आम लाइफ में, मतलब यू नो, अब मुझे ऐसे लोग मिले। हाँ। यार आपने कैसे, कि आपके साथ कभी जिंदगी में हुआ था ऐसा? हाँ। मैंने कहा वो सबके साथ हुआ होगा बचपन में, तो सबकी मोहब्बतें भाग जाती हैं इधर उधर, मेरी भी भागी थी बहुत बचपन में, लेकिन हाँ। बीवी तो नहीं भागी। तो हाँ। वही खलील साहब ने भी मुझे बोला, कहता है यार ये तू करा कैसे तूने ये? हाँ। मैं तो हैरान हो गया, मैंने तो तुझे ऐसे करते हुए देखा, ये करते हुए देखा, ये कैसे हुआ? हाँ। मैं कि बस हो गया, उसको आप समझ लें कि मैंने उसको कैरेक्टर को ये सोच के क्या, यार किसी के साथ आप बुरा करें तो वो क्या सोचती होगी। हाँ। तो वो तो ऐसा भी तो हो सकता है। नुमान महसूद 4455 पूछ रहे, भाई बहुत जेंटलमैन लग रहे हैं आप, बहुत फरफर अंग्रेजी बोल रहे थे, आपको डर नहीं लगा? ये हमारी मैंने क्राउन की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने क्राउन देखी तो मैंने कहा यार ये तो ऐसा लगता है कि फुल अंग्रेजी एक्टर। वो मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतना इंग्लिश हॉलीवुड सिनेमा इतना देखा हुआ है कि मेरी लाइनें सीधी थी, लेकिन जाहिर है एक हल्के से एक्शन के साथ बोलनी थी या जो भी था, उसके लिए प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। तो अगेन मैंने मेहनत बहुत की थी, और मेहनत तो मुझे उर्दू की लाइंस में भी उतनी ही करनी पड़ती है। हाँ। तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ी और वो अच्छा हो गया मुझसे। हाँ। मुझे भी एक दफ़ा जाने की ज़रूरत पड़ी थी, एक बंदा था जो साथ था, तो मैंने उसको सीन पढ़ के सुनाया, उसने मेरी एक दो चीज़ें ठीक की कि ये ऐसे नहीं बोलना, ये ऐसे बोलना, एंड दैट्स इट। कोई आधे घंटे का हमारा वो सेशन था बस, उसके बाद डायरेक्टर ने बोला कि ठीक है हमें ऐसा ही बंदा चाहिए, हमें कोई एक्सेंट में नहीं चाहिए कि अमेरिकन लगे या वो, जो जैसे एक पाकिस्तानी इंग्लिश बोलेगा, हमारे यहाँ तो बहुत बना के बोलते हैं ना जी जी, लेकिन उसको जो एक पाकिस्तानी जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं और ठीक इंग्लिश बोलते हैं, तो बस वैसे ही बोलना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड खुदा हाफिज़। थैंक यू नौरी। खुदा हाफिज़ जी।